हेलो, नमस्कार दोस्तों। 6 दिसंबर 2018 की डेली प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है बेसिकली कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली भूमिगत गतिविधियों के एक प्रमुख महिला आयोजक थे। तो इसमें आपको बताना कि कौन से आंदोलन से बेसिकली वो रिलेटेड थे। अब देखो, एक बार ये सोचे कि भूमिगत गतिविधियाँ कौन से आंदोलन में हुई थी। ये हुई थी बेसिकली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आंदोलन की शुरुआत में आचार्य विनोबा भावे ने भूषण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जुड़ा हुआ था। अब एक ऑप्शन आपके सामने, उदयगिरी, पोंचपल्ली, रायपुर और वेंकटगिरी। अब एक बार आप सोच के देखिए कि भूषण आंदोलन की बात यहाँ पे की जा रही है और आचार्य विनोबा भावे के बारे में। ये बेसिकली देखो डायरेक्टली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है हिस्ट्री से रिलेटेड, और इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी। इसमें देखो आपको डायरेक्टली ये पॉइंट है वो पता होना चाहिए। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, रिवाइज किया है, तो उसमें आपको आराम से आपको ये मिला हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है बेसिकली लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। क्वेश्चन ये है कि जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं तीन, और आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दिया गया है कि जो तरलता कवरेज अनुपात, यानी कि जिससे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, वो अल्पकालीन दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा आयोजित अत्यधिक तरल संपत्तियों का संदर्भित करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि SLR रिजर्व बैंक के तहत बैंकों को अपने तरलता कवरेज अनुपात, यानी कि LCR की बात यहाँ पे की जा रही है, कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होल्डिंग में से 19% का यूज है वो किया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी कि तरलता कवरेज अनुपात क्या होता है। देखो जो भी बैंक होते हैं ना, इनके लिए कंडीशन होती है कि भाई इनके पास एटलीस्ट में इतना से इतना पैसा तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना सारा का सारा पैसा लोन में देते हैं, मतलब कुछ लिक्विडिटी इनके बैंक के पास मेंटेन होनी चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल बताऊं कि बैंकों के पास ऐसा तो है नहीं कि वो डेली जितना भी पैसा आ रहा है सारा वो लोन में दे देंगे किसी को। कुछ पैसा तो उनको अपनी ब्रांच में रखना पड़ता है ना, मतलब कुछ तो लिक्विडिटी उनको अपने पास रखनी पड़ती है। तो उसके लिए एक रेशियो बनाया गया है, उस रेशियो को उन्हें मेंटेन करना पड़ता है डेली बेसिकली। और उसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि जैसे बैंक के पास सडनली अगर पैसों की जरूरत पड़ गई है लिक्विडिटी के लिए, तो वो जो SLR होती है ना, SLR के बारे में देखो हमने इकोनॉमी में काफ़ी बार पढ़ा है, तो जो SLR यानी कि तरलता कवरेज अनुपात होती है, उसका पैसा, उसका 15% तक पैसा है वो बेसिकली यूज कर सकता है अगर उसको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मेंटेन करना हो। तो यहाँ पे 19% नहीं होगा, यहाँ पे 15% है। आपको बता दूँ कि जो आपको सीधी सी लैंग्वेज में बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि बैंकों की जो SLR रेट होती है, उस SLR में से वो 15% पैसा है उसका यूज़ वो अपने जो बैंक है उसमें लिक्विडिटी कवरेज को मेंटेन करने में यूज है वो कर सकते हैं। बस ये इफेक्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो उसका ऑप्शन ऑब्वियसली बी तो गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अमृत राव पैनल की अध्यक्षता के बारे में स्थापना की है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि है किस रिलेटेड है। सीधी सी बात यह है, क्वेश्चन ये पूछा गया घुमा फिरा के आपसे कि अमृता राव जो पैनल है वो किस लिए बना गया, अमिताव राव सॉरी पैनल, अमिताव राव जो पैनल है वो बेसिकली देखो प्रिजनर रिफॉर्म्स के लिए, मतलब हमारे देश में जो जेल है उसमें जो कैदी रह रहे हैं उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, तो उनमें रिफॉर्म लाने के लिए, जेल में जेल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उनको बेसिक सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाने के लिए बेसिकली कमेटी है वो लाई गई है, पैनल लाया गया, तो इसका हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेसिकली, यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि सुरक्षा उपायों के बारे में निम्नलिखित बयानों पे विचार कीजिए। सुरक्षा उपाय का मतलब बेसिकली हम यहाँ पे बात करें तो यह हमें देखो इकोनॉमी का टर्म है बेसिकली, तो हम इसके बारे में जानते हैं। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि यह तब लागू होता है जब किसी विशेष उत्पाद के आयात में वृद्धि हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि यह देश स्पेसिफिक होना, मतलब कि किसी कंट्री के ऊपर लगाया जाता है पर्टिकुलर। तीसरा दिया गया है कि सुरक्षा उपायों को या तो सुरक्षा शुल्क या फिर आयात लाइसेंस के लिए सुरक्षा में लागू है वो किया जाता है। आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखो हम इसके बारे में जानते हैं कि सुरक्षा उपाय हैं वो होते क्या हैं, फिर हमें सारा पॉइंट आराम से क्लियर है हो जाएगा। तो बेसिकली सुरक्षा उपायों का मतलब है सेफ गार्ड ड्यूटी, कि जो गवर्नमेंट सेफ गार्ड ड्यूटी लगाती है वो किस पे लगाती है। तो देखो जो सेफ गार्ड ड्यूटी है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए लगाई जाती है। जैसे मान लो कि इंडिया में चाइना के खिलौने काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं तो उनके ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी जाएगी, मतलब वो खिलौने इंडिया में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या हो, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बेसिकली है लगाया जाता है और पर्टिकुलर कंट्री की, ठीक है, ये हो गया समझ में। दूसरी बात यहाँ पे क्या है
कि अगर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उससे काफ़ी नुकसान हो रहा हो, जैसे कि मान लो कि चाइना के जो सोलर पैनल हैं उससे हमारे देश की डोमेस्टिक या घरेलू इंडस्ट्री है उनको नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए बेसिकली सेफगार्ड ड्यूटी है वो लगाई जाती है। इसके साथ ही अहम बात क्या है कि सेफगार्ड जो ड्यूटी है वो बेसिकली ऑल इम्पोर्ट है उसके ऊपर लगाई जाती है। मतलब ऑल इम्पोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे सोलर पैनल पे लगा दी, इसका मतलब ये नहीं कि चाइना वाले सोलर पैनल, बाहर से कोई भी सोलर पैनल आ रहा है, चाहे वो यूएसए का हो, चाहे वो यूके का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, उस पर सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी। मतलब अब बाहर से अगर सोलर पैनल इंडिया में आ रहे हैं तो उन सब के ऊपर लगेगी सेफगार्ड ड्यूटी। और एंटी डंपिंग में क्या डिफरेंस होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो किसी स्पेसिफिक कंट्री की लगाई जाती है, जैसे कि चाइना इंडिया के अंदर चीज़ें डंप कर रहा है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि डंप करने का मतलब सस्ते में फेंक रहा है, मान लो कि इंडिया को एक तरीके से लालच दे रहा है ताकि इंडिया के लोग उस चीज के एडिक्ट हैं वो हो जाएं, तो उसके ऊपर लगता है पर्टिकुलर। तो ये डिफरेंस है दोनों में, सेफगार्ड ड्यूटी में और एंटी डंपिंग ड्यूटी में, कि एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो किसी कंट्री स्पेसिफिक लगाई जाती है, वे लगाई दोनों सेम ही जाती हैं, किसके लिए, इंपोर्ट के लिए, कि इंपोर्ट को रोकने के लिए। और सेफगार्ड ड्यूटी है वो किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं होती है, वो बाहर के पूरे कंट्रोल, पूरे आयात को रोकती है कि बाहर से ये चीज इंडिया में आ नहीं सकती। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली मिनर्वा सेकेंड ए के बारे में, कि रिसेंटली मिनर्वा सेकेंड ए न्यूज़ में था तो यह किस रिलेटेड है। देखो आपको डायरेक्टली बताऊं मैं सीधा सीधा, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि एस्टोरॉयड की डिस्कवरी है, नया 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 एस्टोरॉयड डिस्कवर किया गया है। दूसरा है कि विश्व का पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट जो कि एक्जो प्लेनेट को डिस्कवर है वो करते हैं। तीसरा है कि वर्ल्ड का फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट है, मतलब एक तरीके से वर्ल्ड का पहला रोबोट है जो कि एस्टेरॉयड सरफेस की स्टडी है, वहाँ पे मूवमेंट को चेक करने वाला है। चौथा है कि एक नया डिवाइस है जो कि मिनरल्स को एक्सप्लोर है वो करेगा। तो देखो मैं आपको बताऊँ, ओबियसली मिनर्वा सेकेंड ए है वो इसका ऑप्शन सी होगा, यह एक रोबोट है जो कि एस्टेरॉयड की स्टडी करने के लिए बनाया गया है, मैन मेड है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्टेम सेल के बारे में। क्वेश्चन है कि स्टेम सेल के बारे में आपको निम्नलिखित स्टेटमेंट में से विचार करना है। पहला है कि ये लंबी अवधि के लिए खुद को विभाजित और नवीनीकृत करने में सक्षम है। दूसरा है कि ये एक तरीके से अनूठे हैं, या आप बोल सकते हो कि अनस्पेशलाइज्ड हैं। तीसरा है कि वे विशेष सेल प्रकारों को जन्म है वो दे सकते हैं, मतलब इनसे विशेष नई प्रकार की सेल हैं वो डेवलप की जा सकती हैं। अब हम जानते हैं स्टेम सेल के बारे में कम्प्लीटली। देखो बेसिकली जो स्टेम सेल होती है ना वो हमारी नॉर्मल सेल या हमारी नॉर्मल कोशिका से डिफरेंट होती हैं। इनके पास काफ़ी अच्छा पोटेंशियल होता है स्टेम सेल के पास, कि ये किसी भी तरह की जो अर्ली लाइफ है उसकी ग्रोथ कर सकती हैं, मतलब कोई अच्छी अलग चीज़ है वो भी एक तरह से डेवलप है वो यह कर सकती हैं। अब आपको बेसिकली बताऊँ स्टेम सेल हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और दूसरी होती है एडल्ट स्टेम सेल्स। देखो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का मतलब यह है कि वो स्टेम सेल जो कि भ्रूण में पाई जाती हैं। देखो भ्रूण जब स्टार्टिंग में बनता है तो उसमें जो एक तरीके से काफ़ी सारी मतलब सेल्स का यूज होता है, आपको पता है कि सेल तो होती हैं ओबियसली उसमें, तो उस दौरान जो डिविजन होता है उसमें, उस दौरान सेल डिवाइड होती हैं, तो उसमें तो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। और इसके साथ जो एडल्ट स्टेम सेल है वो बेसिकली हमारे ब्रेन में, बोन मेरो में, ब्लड में, जो ब्लड वेसल्स हैं या मसल्स हैं, मांसपेशी जिसे हम बोलते हैं, इनमें पाई जाती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टेम सेल है वो होती क्या है, क्योंकि इसके बारे में आजकल काफ़ी अच्छी रिसर्च की जा रही है। स्टेम सेल से जो नाक कान वगैरह इनके में भी एक तरीके से ग्रोथ इन चीज़ों की तरफ फोकस है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। पहला है कि यह वर्ल्ड की जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो कि पीस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब शांति के लिए काम है वो करती है। दूसरा है कि यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है। तीसरा है कि बेसिकली इसका जो काम है वो यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत है वो होता है। तो देखो हम यहाँ पे सीधी सीधी बात ही है, हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसके बारे में देखते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, और ऑटोनोमस तरीके से काम है वो करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि यूएन की है कोई स्पेशल एजेंसी नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में अलग काम है वो करती है। तो आप सेकंड स्टेटमेंट को अगर आप यहाँ पे हटा दोगे तो आपके पास ऑप्शन अपने आप आ जाएगा कि इसका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सी है, मतलब केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है कि पीस ऑर्गेनाइजेशन है ऑटम के लिए।
थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत था, आपको बता दूं कि जो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ना, ये बेसिकली यूएन के साथ काम नहीं करती है, ये यूएन को केवल अपनी रिपोर्ट वगैरह देती है, वो भी किसको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन जो सोशल जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए, इन दोनों को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, बाकी इसका साथ यूएन के साथ कोई वैसे लिंक नहीं है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट अपने आप इसमें गलत हैं, वो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने पेयर हैं, वो अरेंज करने हैं आपको, बेसिकली ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप अरेंज करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला है खेड़ा सत्याग्रह, तो इसके सामने दिया गया है कि खेड़ा सत्याग्रह है वो बेसिकली सूखे की वजह से क्रॉप है वो फेल्योर हो गई थी, इसलिए खेड़ा सत्याग्रह किया गया। दूसरा है बारदोली सत्याग्रह, तो इसमें दिया गया है कि लैंड रिवेन्यू है वो बढ़ा दिया गया था, इसकी एवज में बारदोली सत्याग्रह किया गया। तीसरा है बेसिकली मोपल रिवेलियन, तो मोपल रिवेलियन की हम बात करें तो इसमें दिया गया है आपके सामने यहाँ पे कि वहाँ पे क्या था, आपको बता दूँ मोपल रिवेलियन के बारे में, चलो हम डिस्कस ही कर लेते हैं। देखो बेसिकली आपको पता है कि अंग्रेजों का मेन मोटो क्या था, फूड डालो और राज करो की नीति, तो वो क्या करते थे, जहाँ पे मुस्लिम बहुल जनसंख्या होती थी वहाँ पर जो सामंत होते थे जागीरदार होते थे वो तो रखते थे हिंदू, ताकि इनमें आपस में लड़ाई हो तो हिंदू मुस्लिम का बहाना बनाया जा सके, और जहाँ पे हिंदू बहुल जनता है वहाँ पे मुस्लिमों को रखते थे ताकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट रह सके। तो इसी तरीके से मोपल रिबेलियन हुआ था, वहाँ पर था क्या कि जनता थी वहाँ की मैक्सिमम वो तो थी मुस्लिम, और वहाँ का जो जमींदार था या आप बोल सकते हो वहाँ पर जो एक तरीके से सामंत था वो था बेसिकली हिंदू टाइप का, और इसलिए उनमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता था, और तो इसीलिए एक तरीके से किसान विद्रोह के तौर पे जाना जाता है मोपल रिबेलियन। तो यह ध्यान में रखना आपको कि मोपल रिबेलियन किससे रिलेटेड है। तो ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, तो आप जो भी आंसर है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि सब लोगों को पता चले और आपकी जो भी अच्छी चल रही है प्रिपरेशन वो और अच्छी रहेगी इसमें। तो फिलहाल डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।